अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि दोस्तों आप सब कैसे हैं? ठीक हैं, देख रहे हैं ये हमारे हुए हैं, हमारा इधर नहर है, बहुत बड़ी एक नहर है, तो वहाँ पे आए हुए हम। ये हमारे इलाके का मतलब एक किस्म का रेगिस्तानी इलाका भी हो गया और पहाड़ी इलाका भी हो गया। और ये हमारा इलाका 50 गांव होता है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जंगलात भी हैं, हर हवाले से हर किस्म के यहाँ पे मतलब माहौल है। तो इधर है ना, जो वो सामने आप लोगों को शायद नहीं नज़र आ रहे होंगे कैमरे में, मुझे नज़र आ रहे हैं, हल्के हल्के पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। और ये है ना, जो ये मैदानी इलाका है, ये देखें भेड़ बकरियाँ वगैरह भी चल रही हैं यहाँ पे। तो ये आगे रोड जाता है, ये नीचे मैदान है सारा, मतलब ये रकबा ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। नीचे असल में इशू ये है कि ये जो नहर मैंने आपको दिखाई है, ये नहर है, यहाँ से सैराब होता है, लेकिन इसमें अभी पानी नहीं है। और ये यहाँ का जो नीचे का ज़मीन का पानी है ना, वो कड़वा है, तो इसलिए ये आपको गैर आबाद नज़र आ रही है ज़मीन। ये देखें यहाँ पे जंगल भी हैं। तो इधर हमें थोड़ा सा काम था, मैं जा रहा था इधर, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों को भी दिखा दूं कैसा लगा। ये देखें कि वो नहीं होता जहाँ पे जीपें वगैरह भगाते हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, वैसा रास्ता है ये सारा। तो जी अब हम वापस जा रहे हैं, जो काम आए हुए थे इलाका 50 में, अपना वो काम कर लिया है, तो अब हम जाने लगे हैं अपने सिटी की तरफ। तो यहाँ से तकरीबन ये कोई हमारे शहर से है कोई 15-16 किलोमीटर की ड्राइव है। तो आज मैं अपनी गाड़ी नहीं ले आया, आज छोटी गाड़ी ले आया हूँ, क्योंकि इधर रास्ता ठीक नहीं है, तो रोड बन रहा है, रोड टूटा फूटा हुआ है। ये देखें जी, ये हमारा इधर का गांव समझ ले, देहात समझ ले, जो कह लें। यहाँ ये रोड बन रहा है, तरक्याती काम हो रहे हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पे इसका मुतबादल रास्ता लेना पड़ेगा। तो ये देखें जी, ये इसको हम सराकी में जंतर बोलते हैं, जंतर की फसल है। यहाँ पे देखें काम हो रहा है, जंप ही जंप है सारे, क्योंकि रोड बन रहा है ना, ये पुल है, ये फ्लडेड एरिया है बेसिकली। ये देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है ना, नीचे है, कटा हुआ पड़ा है, तो फ्लडेड एरिया है, इसलिए वहाँ पे फ्लड आता है, तो पुल वगैरह बना रहे हैं, वो उसको बदरो वगैरह होता है जो निकासी के लिए, वो बना रहे हैं। ये जी भट्ठा है, यहाँ पे ईंटें पकती हैं, तैयार होती हैं, जो हम घरों में लगाते हैं। ये जी देखते हैं जाए आप, ये गाँव का माहौल है बिल्कुल। तो इधर हम गाँव में ही आए हुए हैं, ये देखें कच्चे घर, VIP देसी माहौल है सारा। यार अगर वीडियो क्वालिटी वगैरह ख़राब हो तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हम नए नए हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो शीडियो बनाने का और एडिटिंग वगैरह करने का, तो इसलिए गुजारा कीजिएगा। ये देखें जी, यहाँ पे बकरियाँ चल रही हैं। तो ये देखें जी, ग्रीनरी चेक करें आप, ग्रीनरी और बात छोड़ें। तो अभी यहाँ पे एक और पुल बन रहा है, तो जी बस हम अपने शहर में अब पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, और थोड़ा सा सफ़र रह गया है, तो उसके बाद जाना है, मैंने ATM यूज़ करना है, जेब में पैसे हैं नहीं, तो बैंक से कोई पैसे निकलवाते हैं। उसके बाद आज की शॉपिंग का भी यही ऊपर से आ रही है, कोई थोड़े बहुत शॉपिंग का सिनेरियो है, तो शॉपिंग भी करते हैं, कुछ चीज़ें वगैरह ले लेते हैं। चलो ये है कि थोड़ा सा ईद पे रौन के लग जाएंगे। ये देखें, दरख्त चेक करें, रोड चेक करें आप लोग, ये साथ साथ कमान की फसल है। तो जी अब हम पैसे निकलवाने के लिए जा रहे हैं, तो वो निकलवा लें। ये देखें जी, हमारे राजनपुर की
कैनाल है, उसमें पानी आ चुका है, नहर में नहर फुल जा रही है। तो माशाल्लाह से बारिशें हुई है ना, उस वजह से ये काफ़ी अरसे से सूखी हुई थी, तो अभी इसमें पानी आ चुका है। तो हम बैंक पहुंच चुके हैं, तो अभी हम यहाँ से थोड़े से पैसे निकलवा लेते हैं ताकि हमारा खर्चा चलता रहे। तो ये हम पहुँच गए जी बैंक।